हाँ वही होता है, क्योंकि जैसे सबका ये होता है ना कि नहीं तैयारी सर, मैं करते ये हैं। क्यों यूं क्यों क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि आजकल का जो माइंड आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि यार इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, है ना, है कि नहीं, आपने ये भी सुना होगा, तो मैं इसीलिए आपसे इस चीज को पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। नहीं, मैं तो वो डिपेंड करता है, जैसे सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। जैसे किसी को मतलब आपको मतलब बहुत पैसा ही चाहिए ना लाइफ में, कि पैसा ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी दुनियादारी से मुझे मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, तब तो मैं एडवाइस करूंगा कि एमटेक कर लीजिए आप, और कोई भी अच्छे कंपनी में चला जाए। इंटेल है, क्वालकॉम है, बहुत सारे कंपनी है बेंगलोर में, तो लाइन बाई लाइन कंपनी है, तो आपको अच्छा खासा पैकेज दे देगा। उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है, एमबीए कर लीजिए, चाहिए आईआईएम से एमबीए कर लीजिए और पैसा कमा लीजिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही है, ठीक है, एमटेक करना पड़ेगा आपको, आपको पैसा कमाना है तो आपको एमटेक करना पड़ेगा। तो अभी अब मैंने क्या क्या बोला, इंटेल बोला, क्वालकॉम बोला, अब ये तो हर जगह आएंगे नहीं, मेरे स्टेट में तो ये स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आएंगे नहीं, ये कहाँ जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बेंगलोर, तो उसके लिए तो गेट तो देना ही पड़ेगा। तो गेट तो आपको देना ही है, तो गेट दोगे नंबर आएगा, क्योंकि आईआईएससी का तो खत्म ही हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता तो 50 के बाद तो आप भूल ही जाओ, आईआईएससी मिल जाएगा, सेम आईआईटी बॉम्बे हो गया। तो वही है, मेरा दोस्त है अभी आईआईटी बॉम्बे से, उसने एमटेक किया है, मेरे साथ ही बीटेक किया था, तो उसको अभी इंटेल में क्वालकॉम में उसको जॉब मिला है, कुछ 24-25 LPA का, तो बहुत बड़ा पैकेज है वो। तो वही है ना, एमटेक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए गेट जरूरी हो जाता है, तो गेट तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि कोई होता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, पैसा ठीक है तो, लेकिन मुझे सरकारी ही चाहिए अपना, कोई होता है ना वैसा माइंडसेट भी होता है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए मुझे, थोड़ा सा चिल भी करना है, ऐसा नहीं है कि काम काम काम। तो पैसा से मुझे इतना मतलब नहीं है, 24-25 LPA नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार आ जाएगा तो ठीक है, तब भी आपको पीएसयू जाना है। अब पीएसयू क्या होता है, पीएसयू हर जगह जाते नहीं है, कभी कभार मुश्किल से चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज में भी कभी कभार बेल तो चला गया था, एसपीसीएल आ गया था, मुश्किल से आईओसीएल आ गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल आए, तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। तो अपना तैयारी तो करना ही है गेट का, क्योंकि ये लोग गेट से रिक्रूटमेंट करेंगे, ये तो पक्का है। तो आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, बीपीसीएल को खैर अभी उसको मार्च कर दिया था आई थिंक ओएनजीसी के साथ, तो जो भी है, तो इसके लिए भी आपको गेट करना है, गेट तो देना ही है, तो आप कहीं भी जाओ आपको गेट तो देना है। तो ये एक हो गया। अब दूसरा हो गया कि गेट जाने के बाद क्या होता है, लोगों को ये होता है ना, पीएसयू में काम कर लेते हैं ना, पीएसयू में काम करने के बाद ऐसा लगता है यार मेरे से यार सब कुछ काम करवा रहते हैं, मैं तो सबसे जूनियर मोस्ट हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ओके। बट ऐसा होता है इन जनरल कोई भी जॉब में, यार आप जूनियर मोस्ट बंदे हो, आपसे ही सब कुछ करवा जाएगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, स्क्रू भी टाइट करो, नॉट भी टाइट करो, तो आप उसमें थोड़ा सा एक मतलब इतना मेहनत किया, चला मैं गेट में भी इतना अच्छा रैंक लाया, मैं ये काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो फिर होता है कि नहीं यार थोड़ा और अच्छा काम मतलब पढ़ाई करो, थोड़ा मैं मैनेजरियल काम में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी आप मैनेजर बनोगे, लेकिन चला 12-14 साल बाद बनोगे, अभी तो आप डिप्टी इंजीनियर हो, उसके बाद प्रमोशन होगा 4 साल बाद, और 4 साल बाद, और 4 साल बाद, 12 साल बाद आप बनोगे मैनेजर, तब आपके अंदर कुछ 10-12 लोग आएंगे, लेकिन इससे अच्छा क्या मैं इंजीनियरिंग सर्विस नहीं निकल सकता हूँ, रेलवे ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट 1500 लोग मेरे नीचे आएंगे, थोड़ा मैनेजरियल काम मिलेगा, डाइवर्सिफाइड वर्क मिलेगा। तो ये एक होता है, वो मतलब आपको समय लेके जाता है, या तो फ्लो फ्लो में आपने निकाल लिया, गेट भी निकाल लिया, ये से निकाल दिया, लेकिन मेरा वाला किसी का सिचुएशन ये भी होता है कि सरकमस्टेंसेस आपको लेके जाता है, नहीं ये मेरे लिए सूट नहीं है, मुझे इससे अलावा मैं कैपेबल हूँ, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन गेट के लिए मैंने तो आपको बोल दिया कि कुछ भी करो आपको करना ही है, चाहे आपको पैसा चाहिए तो एमटेक करना है, एमटेक तो आपको फ्री में नहीं देंगे, गेट में अच्छा रैंक लाना है, क्योंकि कहीं से भी आप एमटेक करोगे फायदा नहीं है, एनआईटी से तो करोगे फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग आईआईटी में ही जाएंगे, क्योंकि क्वालकॉम हो गया, ये बड़े बड़े जो भी अपना वीएलएसआई डोमेन के जो भी कंपनी है, वीएलएसआई में आप लोग करिए, अच्छे से एमटेक करिए, उसके लिए बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा। और बाकी उसके बाद मैं तो बोलूंगा कि पहले ना मैं यही बोलता हूँ लोगों को, मेरा भी अभी दोस्त है, वही पूछता है कि ईएससी का करना है या गेट का करना है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों में कि मैं ईएससी करूँ या गेट करूँ या दोनों करूँ, दोनों में क्या फर्क है, तो ये है ना कि एक्चुअली स्ट्रेटेजी में फर्क होगा, क्योंकि गेट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होता है, और आपको बस वही है 3 घंटा मिलेगा, उसके अंदर आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, इधर उधर कहीं हो गया ना, 2 नंबर तक गायब हो गया ना, 400 रैंक 500 रैंक नीचे आ जाओगे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तो मतलब वो बहुत मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। बट इन द सेंस मैं अगर प्रीलिम्स का बोलूंगा, इंजीनियरिंग सर्विस का, वो तो हलवा है, वो तो थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करता है, उसमें स्पीड मैटर करेगा आपका, आप कितना क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है थोड़ा बहुत तो गलत करोगे आप, कोई डाउट नहीं, लेकिन इतना ही कर दो आप, ज्यादा कर दो कि वो उसको ओवरकम कर दे।
तो वही है आपका स्ट्रेटेजी में अलग होगा, आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे। लेकिन यही मैं बोलूंगा, जो भी लोग अभी जैसे जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छे जगह पे सेटल है, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग सर्विस के तरफ जाना चाहिए। और जो भी अभी जॉब नहीं है, फिलहाल एक आप जॉब देख लीजिए, आप पहले आपका घर बना लीजिए, बेस ट्रेन कर लीजिए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी करते रहिए। क्योंकि मैंने भी यही किया था कि मेरे को वैसे बाद में पता चला इंजीनियरिंग सर्विस, मुझे कोई बीटेक में पता नहीं था कि बीटेक फर्स्ट ईयर से कुछ इंजीनियरिंग सर्विस, बीटेक फाइनल ईयर तक ही मुझे नहीं पता था। मैंने बेल ज्वाइन किया, फिर दोस्त लोग कुछ तैयारी कर रहा था, ये कौन सा एग्जाम है, बोला ये इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने भी अपना तैयारी कर लिया, क्योंकि किया क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ठीक है, लेकिन थोड़ा होता है ना कि थोड़ा हाँ यहाँ पे इतना भी वो नहीं है, थोड़ा और करना है। इफ यू आर मोर कैपेबल तो हम करना चाहिए करके वो एक बात। एग्जैक्टली, जो भी कैपेबल है उसको करना चाहिए। लेकिन वही है जिसका पहले कुछ आता है, मतलब पहला अटेम्प्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है यार, कुछ करना है मतलब, तो पहले एक बेस क्लियर कर लो, अपना गेट निकालो। क्योंकि ये सी थोड़ा एक, क्योंकि लंबा होता है ना, क्योंकि आप एक साल फिर मतलब लंबा खेलता है ये, क्योंकि मेंस की तैयारी करो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। पहली बार निकाल लेते हैं किस्मत से तो ठीक है, या दूसरी बार में फिर नहीं निकलता है तो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेरे फादर एनटीपीसी में थे, तो मैं बचपन से ही ना देखा हूँ कि ना एकदम नए नए आते हैं, जैसे कॉलेज में मैं भी पहुँचा अपने, तो वहाँ पर देखा कि रिक्रूटमेंट हुआ है, अब एनटीपीसी में आए हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। तो फिर ना थोड़े दिन बाद देखता हूँ कि वो लोग छोड़ दिए। अब मैं ये सोचता था इतने अच्छे एनटीपीसी में पहुंचने के बाद वो लोग छोड़ दिए, या फिर बहुत दिन रात प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हमेशा ना एक बार एक ट्रेन में भी मिल गए थे, मैं उनसे बात किया था, मैं उनसे पूछा सर ये क्या कर रहे हैं, अरे नहीं मजा नहीं आ रहा है ना, मतलब एकदम पैसे वैसे दे के जंगल में छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं यहाँ पर, क्या करेंगे करके ना बड़े परेशान हो गए थे। तो अब उस चीज का ना मैं आपसे रिलेट कर पा के आज समझ में आ रहा है कि इट इज लाइक कि आप इतने कैपेबल हो, आप इतने कंसेप्चुअल एग्जाम को निकाले हो जो कभी रिपीट नहीं होता है, मतलब आपको बुक भी दे दिया जाए तो ना बना पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो, है ना। और मतलब मैं भी यही है, बेल में यही पूछा, ठीक है नवरत्न है, बाकी नवरत्न से वो कम पैसा रहते थे, लेकिन बैंगलोर सिटी दे रहा, बैंगलोर सिटी तो मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर में सिटी में तो प्रॉपरली नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, सब कुछ मिल जाता था विद इन 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो बाकी जैसे भी मेरे दोस्त के सुना है क्या, बहुत लोग है कई गांव में पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो साला कहाँ पे पैसा मिलता है तो खर्च कहाँ करो, कोई मॉल ही नहीं है अच्छा से, मूवी देखने में कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो बैंगलोर में तो ऐसा नहीं है, तो बैंगलोर में तुम कहीं भी घूम लो, तो ये एक फर्क होता है। तो इसीलिए भी बहुत लोग वो भी पीएसयू छोड़ के ये इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ आ जाते हैं, वो भी एक रीजन होता है। ये बहुत अच्छी चीज पता चली, क्योंकि ना कई लोगों को पता नहीं रहता है कि ना कई ऐसी कंपनीज है ना सर, आप भी जानते होंगे कि पावर ग्रिड वगैरह 20-20 लाख 18-18 लाख का पैकेज रहता है, और बहुत दूर दूर पे आउटर लोकेशंस पे पैसा दे दिया जाता है, तो वहां क्या करेंगे करके लोग, तो एक बड़ी कंसर्निंग चीज रहती है। पर सर आप जितने आसानी से इस चीज को बता दे रहे हैं कि ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आप अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि ना आपने ये किया कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे स्टूडेंट्स को एकदम पास आके मैं बता रहा हूँ सर, सेल्फ प्रिपरेशन से निकालें, और वो भी अभी पुराने वाले टाइम का नहीं, अभी जस्ट रिसेंट 2019 का निकालें, बट 23 रैंक, और कहीं से भी कोचिंग ना लेना। तो सर इसका तो सबसे पहले हम लोगों को सीक्रेट जानना है आपसे कि आपने ऐसा किया कैसे, और आप ऐसा सोच कैसे लिए कि हाँ मैं सेल्फ प्रिपरेशन से इसको करके दिखा दूंगा। हाँ ये है ना, नहीं एक्चुअली ये सब पहले का जमाना अलग था, जब इंटरनेट नहीं चलता था ना, उस जमाने का बात अलग था कि दिल्ली आओ या कहीं आओ कोचिंग लो, ये चलता था, और अभी भी यही चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या हो गया ना, डिजिटल इंडिया हो गया है, थोड़ा ऑनलाइन भी थोड़ा देखना चाहिए। तो मेरा तो थोड़ा सर्कमस्टेंसेस ही ऐसा था कि मैं कोचिंग ले नहीं पाया था, थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था और मेरा फाइनेंशियली मैं भी वीक था, तो मैं कोचिंग लेके भी नहीं ले पाया कि नहीं ले पाऊंगा मैं, तो मेरे को तो सेल्फ करना ही था। तो सेल्फ में भी यही किया था कि पहले तो मैं 2017 में मैं बीटेक पास किया था, तो उस समय मेरा क्या हुआ था, कैंपस भी मेरा नहीं लग रहा था, तो मेरे साथ तो मेरा कुछ भी खराब ही जा रहा था, कहीं भी कंपनी में बैठता हूँ तो रिजेक्ट हो जाता हूँ, कहीं कंपनी का निकल देता हूँ इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में रिजेक्ट हो जाता हूँ। और मेरा ये था कि मेरे को मतलब मैंने ये तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया था कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, ये भी एक डिसीजन तो मेरा पहले ही था कि मेरे को पीएसयू या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है, तो ये मैंने सेट करके रखा था। मैं वेट कर रहा था कि कब पीएसयू आएगा,
लेकिन आ ही नहीं रहा था क्योंकि 2017 में डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो मे भी उसके कारण कुछ हुआ होगा कि कंपनियां जो भी आने वाले थे पिछले सीनियर्स लोग बोलते थे ये तो आते ही है, वो भी नहीं आए, तो अच्छा नहीं लगा। और जो भी कंपनी आए थे जैसे HPCL आया था, जैसे टॉपर्स को बैठाया था टॉप 5, और मैं इतना 9.9 वाला भी बंदा नहीं था, मैं कुछ एवरेज वाला था 8.2 स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे कम होने लगा वो अलग बात है, लेकिन मैं एवरेज वाला ही था। लास्ट में जो एंड किया 8.2 CGPA में एंड किया, तो मेरे तो बैठने का चांस ही नहीं था। जहां पे बैठा जैसे बेल है, बेल में मैंने रिटर्न दिया, वो रिटर्न मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, मेरा रिटर्न क्लियर ही नहीं हुआ, और वो तो गेट का भी मैंने तब 2017 में भी कॉलेज के साथ ही तैयारी किया, और मेरा उस समय आया था कुछ 4000 समथिंग रैंक, वो तो मैंने दे दिया था उस टाइम IIT रुकी का पेपर था। तो मैंने फिर एक कंपनी में लास्ट में जब भी मैं घर आ गया, कॉलेज छोड़ के घर आया, उसके बाद रिजल्ट आया मोबाइल में, जीमेल में आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, कि ये दोनों लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, एक कंपनी में मैंने सिलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का तैयारी करूंगा। तो मैंने वही है कि मटेरियल वटेरियल उठाया, कहीं पे क्लासरूम के जो नोट्स होते हैं वो मैंने उठा लिया दिल्ली से, दिल्ली में तो मिल जाते हैं ना क्लासरूम के नोट्स, वो मैंने उठा लिया और घर आ गया मैं ट्रेन से, और अपना तैयारी शुरू किया। इस बीच में बेल का एग्जाम था, वो बेल का एग्जाम मैंने लिखा और वो क्लियर हो गया, और वो भी एग्जाम ऐसा था कि वो ऐसा नहीं है कि पूरा गेट करो तभी हो जाएगा, वो बहुत बेसिक था, जो भी मैथ्स था ना उसमें 20-25 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही थे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें, कि 100 मार्क का नहीं था, वो एग्जैक्टली मार्क्स पता नहीं, 150 नंबर या 200 नंबर का पेपर था 2 घंटे का, तो मैथ्स तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन या लिमिट वगैरह वो क्लास 11-12 का पूछ रहे थे, तो वो तो बन जाता है, तो वैसा बन गया वो, बेल निकल गया मेरा। तो बेल निकलने के बाद मैंने वो जो किताब विताब है ना मैं घर पे छोड़ दिया, चलो ज्वाइन करने चलते हैं बैंगलोर, मस्त में निकल गया बैंगलोर। तो बैंगलोर निकलने के बाद मैंने पहले एक महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में तो मैंने खूब मजे किया, बहुत सारा वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का थोड़ा फैसिलिटी है वो भी मैंने एंजॉय किया, मजे किया, मस्ती किया दोस्तों के साथ। फिर जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मैंने मुझे काम तो अच्छा ही मिला था उसमें भी, क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा ये टेक्निकली था जो मैंने पढ़ा था, VHDL में काम करने को मिला था, मैटलैब में काम करने को मिला था, तो वो सब भी अच्छा था। बट थोड़ा बहुत मुझे वो लगा ना कि यार इससे भी कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब भाई मोनोटोनस हो रहा है कि एक ही चीज़ ही मैं कर रहा हूँ और जिंदगी भर मैं यहीं पे रह जाऊँगा, कुछ दूसरा नहीं होगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं, आप डाइवर्सिफाइड होंगे ना, इंजीनियरिंग ने आपको बताया, आज अगर आप यहाँ डिपुटेशन में आप कुछ PSU में चले जाओगे, रेलवे का बहुत सारा PSU होते हैं, जैसे रेलटेल हो गया, इरकॉन हो गया, आप उनमें डिपुटेशन में चला जाते हो, PSU में आपको भेजते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आप जो काम कर रहे हो वही है, तो कुछ मोनोटोनस सा लगा मुझे थोड़ा, मैंने सोचा क्यों ना तैयारी ना कर दे। तो फरवरी का मंथ चला गया, 18 का मैंने गेट नहीं दिया था, लास्ट मैंने 17 में लिखा था, 4,500 रैंक था, 18 का मैंने कुछ नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, किताब मेरे दोस्त था वहाँ पे, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, तुषार रस्तोगी करके, तो उसका भी AIR-15 है इंजीनियरिंग सर्विस में, हम दोनों एक साथ पढ़े मस्त, और वो कोचिंग करता था दिल्ली में, उसने पूरा मस्त कोचिंग किया, तो उसका जो नोट्स था क्लासरूम का मैंने वो ले लिया था, और बाकी तो नोट से समझ में आ जाता था। नोट्स क्या करता था ना मैं कोचिंग का, उस नोट से मैंने क्या करता था, मैं अपना डोमेन फिक्स करता था, स्ट्रेटजी ये था मेरा, मैं बताना चाहूंगा कि डोमेन फिक्स करता था पहले कि मुझे कितने लेंथ ब्रेथ विड्थ में रहना है, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट उठाऊंगा, मैं अगर स्टैंडर्ड बुक उठा लिया तो मैं तो पूरा पढ़ जाऊंगा, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, कोई एग्जाम में इतना नहीं पूछते, मुझे PhD तो नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। बहुत लोग मैंने देखा है स्टैंडर्ड बुक लेके बैठ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं, डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एग्जाम के लिए आपको नहीं रिक्वायर्ड है, आप MTech करो PhD करो तब पढ़ लो वो बुक, एक बुक। लेकिन वो तो मैं नोट्स लेता था, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ाता था, जैसे नेटवर्क थ्योरम है तो कौन सा थ्योरम पढ़ाया गया मैं वो पढ़ लेता था, नोट से पहले पढ़ लेता था, समझ में आ रहा है कि नई चीज है, फिर उसके साथ ही जो क्वेश्चन होता था उसको कर लेता था, फिर मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन करता था, बन रहा है हो गया, नहीं बन रहा है मैं उसको सर्कल मार देता था कि ये मेरा नहीं बन रहा है, और जो भी क्वेश्चन मुझे टफ लगा उसको मैंने 2 स्टार मार देता था कि बाद में आके मैं उसको देखूंगा, जब मैं रिविजन करूंगा तो मैं उसको देखूंगा, और जो बन रहा है उसको दोबारा नहीं देखना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है कि क्वेश्चन को बार बार करके। अगर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या नोट्स में कवर्ड है, फिर देखता था हाँ है तो मेरे को समझ में नहीं आया था कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या करता था यूट्यूब में सर्च मार देता था कि ये थ्योरम है कुछ, ये नहीं समझ में आया तो यूट्यूब में तो आ जाता था, फिर यूट्यूब से मैं समझ लेता था उस थ्योरम को और अपना अलग से नोट्स बना के उस जगह पे फिर चिपका देता था उस पेज में कि ये है मेरा। ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे सारा पढ़ते गया एक मार्कर लेके, वो जो आते हैं ना हाईलाइटर लेके मैं सब मार्क पढ़ने लगा, और प्रीवियस ईयर गेट किया, प्रीवियस ईयर ESE किया, धीरे धीरे करते गया मैं।
पहले नेटवर्क उठाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है ना, जैसे बाकी सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क में सर्किट वगैरह होता है, वो बेस बन जाता है। और इधर मैंने मैथ्स किया पहले, जीएस का भी मैंने साथ में लेके चला। मैंने गेट के लिए सोचा नहीं कि 19 में मुझे गेट देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएसयू में हूँ, सॉरी पीएसयू में हूँ, और मैं पीएसयू में क्यों जाना है मुझे, क्योंकि ठीक है पैसा ज्यादा मिल जाएगा लेकिन बगल में भेज देंगे, बैंगलोर टू इससे अच्छा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ही ज्यादा फोकस किया जाए, गेट दे दूंगा। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फोकस किया। तो मैंने क्या किया, टेक्निकल एक सब्जेक्ट उठाया, जीएस का एक सब्जेक्ट उठाया। जीएस का क्या उठाया, मैथ्स उठाया। मैथ्स इसलिए उठाया क्योंकि वो बेस है आपका, लाप्लास थ्योरम हो गया, फोरियर हो गया, ये सब आप पढ़ोगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब्जेक्ट में भी आएगा, सिग्नल में आएगा। तो जब का आपका मैथ्स क्लियर नहीं होगा, लाप्लास क्लियर नहीं होगा, आप सर्किट कैसे सोल्व कर लो। तो इसीलिए मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर नहीं होगा, सर्किट कैसे, मैकेनिकल में आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जानना जरूरी हो जाता है। तो मैथ्स मैंने जीएस का पहले उठाया, यहाँ पे नेटवर्क उठाया, दोनों खत्म किया। वैसे नोट्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर का गेट किया, प्रीवियस ईयर का ईएससी किया, आराम से किया मैंने। फरवरी से मार्च से मैंने शुरू किया, और 19 में 2019 जनवरी में प्रीलिम्स होगा, तो बहुत टाइम है मेरे पास। और मैंने फिर हो गया, क्योंकि ये सबसे क्या था, मेरा फाउंडेशन अच्छा था, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाता था, ये सब पहले भी समझा हुआ था, तो मेरा नोट्स में टाइम नहीं लगा, ये किया। फिर कुछ सब्जेक्ट जो था कि नोट्स से मैं नहीं पढ़ूंगा, नोट्स में मुझे समझ में नहीं आया, जो भी कोचिंग का होगा अच्छे से नहीं पढ़ाया उन लोगों ने, मुझे भी मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मे भी मैं क्लासरूम में होता तो क्या पता मुझे समझ में आ जाता, लेकिन मुझे वो नोट्स से मुझे ले नहीं पा रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना नोट्स खोल लो आपको समझ में आ जाए। तो ये भी नहीं कर सकता मैं हर टॉपिक में नेट में सर्च करता रहूं। तो मैंने क्या सोचा यार, क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से ही पढ़ता हूं। तो मैंने पूरा अप्रैल का जो महीना था ना, पूरा मैंने 20 दिन मैंने सेमीकंडक्टर को दिया, जो इंजीनियरिंग डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी बोलते हैं उसको, तो वो मैंने एनपीटीएल से पूरा वीडियो देखा। फिर वीडियो देखने के बाद मैंने गेट का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस का हलवा क्वेश्चन है वो, ऐसे भी आपको फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा, प्रीलिम्स का मैं बोल रहा हूँ। और गेट का थोड़ा बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक दो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा कि गेट के लिए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ठीक है तो, बट फॉर्मूला बेस होनी चाहिए, कि फॉर्मूला हाथ के टिप में होनी चाहिए, कि वहां पे जाके मैं भूल गया डिराइव कर लूंगा, नहीं, टिप पे होनी चाहिए फॉर्मूला इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। बट गेट के लिए आपको वो फॉर्मूला कहाँ से आया है वो पता होना चाहिए, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है लगा दिया निकल जाएगा, ठीक है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ठीक है, दो नंबर के लिए कभी कभार ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, वो क्लब करके देंगे क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट की अगर क्लियरिटी होगी आपकी बन जाएगी। तो क्लियरिटी के लिए मैंने वो वीडियो देखा था। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट करता गया, और मैंने साथ में पैरेलली लेने के लिए कोशिश किया कि जीएस का एक उठाऊंगा, जीएस का एक मतलब रात को एक घंटा जीएस दूंगा, रात को एक घंटा मतलब एक चैप्टर पढ़ लूंगा, जैसे एनवायरमेंट हो गया एक चैप्टर पढ़ लो, कोई एवायोटिक बायोटिक जो भी है ये सब एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं करने गया, लेकिन बीच में क्या होता था, थोड़ा ऑफिस का ज्यादा हेडेक हो जाता था, जैसे 4 बजे तो खत्म हो जाता था, लेकिन कभी कभार 7-8 बज जाता था, तब नहीं हो पाता था, ठीक है नहीं हो पाता, सो जाता था, नहीं होगा नहीं होगा, फिर अगले दिन पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा यार क्या होगा, बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखा है कि फ्रस्ट्रेशन होते हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, टाइम टेबल से मत जाओ, मैं टाइम टेबल एग्जैक्टली मत लिखो कि आज के दिन ये पढ़ना है, ऐसे फॉलो करो कि जैसे मुझे आज 15 दिन में, आज 10 दिन में मुझे नेटवर्क खत्म करना है, बात खत्म, नेटवर्क खत्म करना है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है, ये कोचिंग का मटेरियल, वो कोचिंग का मटेरियल, इसका टेस्ट सीरीज, उसका टेस्ट सीरीज, नहीं, प्रीवियस ईयर करो, गेट का कर लो, ईएससी का कर लो, हो गया खत्म। फिर दोबारा एक बार जब सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दोबारा एक बार देख लो कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका पहले टाइम में नहीं बना था और जो स्टार मार्क के आपने रखा था, जो थोड़ा ट्रिकी था, आपको थोड़ा टाइम लगा सोचने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन दोबारा मत कीजिए जो आपने पटाख से कर लिया, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे ही अपना प्रिपरेशन किया धीरे धीरे करके, और जनवरी में मैंने अपना मस्त से प्रीलिम्स लिखा, और जीएस मेरा बहुत बेकार गया, मेरा 72 मार्क्स था 200 में से, और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, प्रीलिम्स से नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक है, मेरे को दोस्त ने बोला, एक दो जो वो 2-3 बार से दिया हुआ है, बोला कोई नहीं इस बार जीएस का पेपर मुश्किल ही था, तो टेंशन मत ले, तेरा ऐसा नहीं गया है, तो टेक्निकल अच्छा कर, कट ऑफ कम ही जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो टेंशन मत ले। फिर मैंने टेक्निकल का दिया, तो टेक्निकल के मेरा 180+ मार्क्स थे, और मेरा अल्टीमेटली मेरा सही हो गया, और मेरा प्री निकल गया भगवान के कृपा। और फिर मैंने क्या किया, गेट का भी मैंने क्या किया, फ्लो में, उस समय मेरे को जॉब से हैदराबाद भेजा गया था, तो मेरे को दिक्कत हो गया था, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया था गेट के लिए, कुछ नहीं, क्योंकि बेल का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डीआरडीओ के साथ होता है, डीआरडीओ जो भी डिफेंस का प्रोजेक्ट होता है, तो मैं हैदराबाद में रहता था, तो हैदराबाद से फिर मैं गेट एग्जाम देने के लिए मैं वहां पे गया, एक दिन मतलब सैटरडे को एग्जाम होता है ना, फ्राइडे रात को मैं निकल गया, और सैटरडे में सुबह पहुंचा, और सैटरडे सुबह पहुंच के मैं सेंटर गया और एग्जाम दिया,
और अल्टीमेटली मेरा 136 रैंक आया गेट में, तो वो भी एक मतलब मैं क्या बोलूंगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था गेट के लिए। लेकिन ऐसा तैयारी नहीं था, लेकिन वो ये गेट इज अ सबसेट ऑफ ईएससी, सब्जेक्ट वाइज बोलूंगा सबसेट ऑफ ईएससी, बट कॉन्सेप्ट वाइज बोलूंगा थोड़ा आपको अच्छी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए उसमें। जो भी क्वेश्चन आती है ना वो ऐसा इतना हलवा नहीं है कि फॉर्मूला लगा हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा सर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसी, कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर करो, कहीं पे भी मत जाओ कि ये है वो है उनका सेंटर का वो कोचिंग का ये है, प्रीवियस ईयर देखो वही आएगा क्वेश्चन पैटर्न वही आएगा, एक आइडिया लगा लो कि किस लेवल में पूछ रहे हो। तो मैंने फिर इसका भी निकाल लिया, मतलब आ गया था। फिर मैंने मेंस लिखा, मेंस का भी मेरा मेंस का तैयारी मैंने क्या करा था, फरवरी का महीना मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि फरवरी आई थिंक 4-5 को ही एग्जाम हुआ था गेट का। फिर मैंने सोचा फरवरी थोड़ा मस्ती करेंगे, घूमने चला गया मुन्नार केरला से छुट्टी लेके मस्त चला गया, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, एक साल पढ़ता रहा कहीं ट्रिप नहीं गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा ट्रिप मार लेते, तो घूमने चला गया। फिर आके मार्च से जो तैयारी शुरू किया मेंस के लिए पूरा करता रहा, पढ़ता रहा और फाइनली जून या जुलाई में था, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है मुझे, और मेंस का भी मेरा अच्छा चला गया था। और पेपर टू में तो मेरा 200 एक स्कोर था, पेपर वन में आई थिंक 155 या 156 था, पेपर वन मेरा खराब चला गया था, थोड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो गया था, वो भी ध्यान देना है आप लोगों को, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन कौन सा क्वेश्चन करना है मेंस के लिए वो बहुत जरूरी होता है। पहला 105 तो आप, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि पहले तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता था, जब भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मैंने कोचिंग का जब भी बैंगलोर में अवेलेबल था मैंने उनका टेस्ट सीरीज दिया था, एक टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, ऑफलाइन ही लिया था, ऑनलाइन मत लो ईएससी का, क्योंकि एग्जाम ही ऑफलाइन है, ऑनलाइन कहे तेज कर देगा, तो जो मैटर है उसी से जाऊँ ना, तो मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता था। तो उसमें क्या होता था, मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं होता था, अरे टाइम ही नहीं होता था, ये हो रहा सबके साथ। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, फाइनल एग्जाम में जाके आप गलतियां करोगे, वो मैं 110% बोल के देता हूँ। तो टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गेट का प्रीवियस ईयर हो गया, ईएससी का प्रीवियस ईयर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट खत्म, नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर एग्जाम के एक डेढ़ महीने एक टेस्ट सीरीज लीजिए आप, एक ये दो तीन मत लीजिए, बहुत लोग लेता है कि इसका भी ले लूंगा मैं, इसका भी ले लूंगा, नहीं, एक टेस्ट सीरीज अच्छे से करिए, अपने आपको रिव्यू कीजिए। मैंने वही किया, कुछ दो तीन नहीं लिया, मैंने एक ही लिया, मेंस के लिए भी वही लिया, एक ही कोचिंग का मैंने टेस्ट सीरीज लिया, और उसी को मैंने डेडिकेटली वहां सेंटर में जाके एग्जाम लिखा, मैंने वहां पे जाके मैंने एग्जाम लिखा। और मेरा धीरे धीरे जब मैं 3-4 एग्जाम दिया, तब मेरे को पता चला कि पहला और पांचवा तो कंपलसरी होता है, उसको सोचना नहीं है, जाके कर दो चुपचाप, वो तो कंपलसरी है, क्या सोचना है, पहला और पांचवा आप जाके करो, जो बन रहा है, नहीं बन रहा है छोड़ दो उसको, फिर आप देखो कि दूसरा तीसरा और चौथा में से और 6, 7, 8 में से आप किसको लेोगे, जो भी ज्यादा बन रहा है वो ले लो आप, फिर उसको करो, और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, उस समय उसमें नहीं टाइम वेस्ट करना है, एक राउंड मरना होता है फिर दोबारा उसमें आना होता है, सेम प्रीलिम्स में भी यही होता है, गेट में भी यही होता है, एक राउंड मरना है पेपर का। ये बहुत लोग एक क्वेश्चन में ही फंस जाता है, मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब 17 में दिया था मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक क्वेश्चन में अटक गया, कुछ बड़ा क्वेश्चन था सोल्व भी नहीं हो रहा था, अलग अलग इक्वेशन लगा रहा था, फिर बाद में जब रूम पे आया पता चला दोस्त बोल रहा था ये आंसर क्या था, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, कहा था अच्छा पीछे था, आसान आसान क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो यही बोल रहा हूँ, एक राउंड मारिए पूरा पेपर का, एटलीस्ट जो आपके हार्ट के टिप में वो तो बनने दो, फिर उसमें दोबारा आइए, ये जरूरी है। तो वैसे ही मेरा मेंस निकल गया, फिर इंटरव्यू का कॉल आ गया था, फिर इंटरव्यू के लिए मैंने गाइडेंस प्रॉब्लम ज्वाइन किया था एक कोचिंग का, तो मैं इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, तो इंटरव्यू गाइडेंस में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होता ही है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बोलूंगा जो मेरा फ्लैटमेट था तुषार करके, जिसका AIR 15 था, उसको उसने 17 से देके रहा है, वो 17 का भी इंटरव्यू दिया है, 18 का भी इंटरव्यू दिया है, 19 का उसने फाइनली क्लियर करके AIR 15 है, तो उससे मुझे बहुत कुछ इनपुट मिल जाता था, जैसे डेफ फॉर्म होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म करके, उसमें सब कुछ भरना पड़ता है, आपका हॉबी क्या है, तो इधर उधर मत भरो, क्योंकि जो चेयरमैन होगा ना यूपीएससी का वो डेफ उठाएगा, और सपोज आपने ऊट पतंग सा कुछ लिख दिया ना अपने मजाक में कि मेरा हॉबी तो ये है टिकट कलेक्ट करना है ये करना है, तो पूरा मतलब गंदा इंटरव्यू चला जाएगा आपका, तो वो भी सोच समझ के लिखना पड़ता है कि क्या लिखना पड़ता है, ठीक है वो तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, डेफ कैसे भरना होता है इंटरव्यू के लिए। तो वो एक फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और अच्छा लगा बहुत। बहुत सही सर, आपको कैसा रहा था आपका इंटरव्यू में, क्या क्या पूछा गया था, किस टाइप से रहता वहां पर माहौल? हाँ इंटरव्यू में वही बोलूंगा मैं, जैसे मेरा माहौल क्या होता है, एक चेयरमैन रहेंगे आपके, चेयरमैन, और चेयरमैन के साथ चेयरमैन जनरली आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर जो भी यूपीएससी के चेयरमैन वो ज्यादा सिविल सर्विस वाले, वही भी रिटायर्ड IAS या IPS ऑफिसर होते हैं, वो लोग वहाँ पे
चेयरमैन हो जाते हैं तो वो लोग रहेंगे, तो उनको अपने डोमेन के बारे में इतना तो पता नहीं होगा कोर के, ओवरऑल पता होगा। तो बाकी तीन लोग रहेंगे, तीन प्रोफेसर रहेंगे, मे बी IITs के भी हो सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं। तो प्रोफेसर आपके कोर सब्जेक्ट में आपको पूछेंगे। तो मैं जब एंटर किया तो पहले तो आपको वहां के बाहर बैठा दिया जाता है, जहाँ इंटरव्यू होते रहते हैं ना वहां के बाहर बैठा दिया जाता है। तो मैं वेट कर रहा था अपने टर्न का, तो जो पहले गए थे वो आए नहीं थे। तो उस समय ना जो मतलब एक मोमेंट था ना, बहुत मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा था कि अभी मेरा नेक्स्ट टर्न मेरा ही है, और कभी भी वो निकलेगे तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट। फिर वो निकल गए, फिर मैं जाने वाला था, फिर जो भी वो गार्ड वार्ड रहता है वो बोला थोड़ा रुक जाओ, वो लोग मतलब कुछ डिस्कस करते अंदर। फिर मुझे बैठाया गया, फिर बोला हाँ आप जाओ। फिर मैं वो दरवाजा वाला होता है ना पुलिस स्टेशन वाले जो ऐसे खुल जाता है अपने, तो कुछ ऐसा टाइप का ही था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं दरवाजा बंद किया और मैं मियाँ कभी भी बोलना नहीं पड़ा, मैडम ने बोल लिया, मैडम थी एक, तो बोला कम है तो प्लीज सिट, बैठ गया। और मैडम फिर मेरे डेफ के थ्रू गया, डेफ में जो भी लिखा था मेरा इंट्रोडक्शन वो मैडम खुद ही कर रही थी कि ही इज अंकुर ज्योति दास, ही इज फ्रॉम तेजपुर असम, हिज हॉबीज आर दिस, ही इज कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम दिस 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 एंड ही इज वर्किंग करेंटली इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर चेयरमैन ने पहला क्वेश्चन, हमेशा चेयरमैन पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैडम पूछ रही थी कि यू आर फ्रॉम तेजपुर, मैंने बोला हाँ। तो जैसे मेरा लोकेशन कुछ वैसा हो जाता है वहां से कम लोग आते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में, तो इसीलिए लोकेशन जैसे, तो मेरे बारे में थोड़ा वो पूछा कि तेजपुर क्या वो है हेडक्वार्टर है, मैंने बोला हाँ हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट ये, तो वो लोकेशन के बारे में पूछने लगा। फिर वो पूछती है कि नॉर्थ ईस्ट के हो आप, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या लाइफ में, मैंने बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा, बोला ऐसे क्या इश्यूज रहते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बोला कि उसको ऐसे कुछ इश्यू हुआ था दिल्ली में ना, तो पूछ रहे थे कुछ चिंकी उनकी बोल देते थे तो सबके साथ हुआ, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर मैडम पूछ रही थी कि वही है इनर लाइट परमिट क्या होता है, जैसे कुछ स्टेट है वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ परमिट लेना पड़ता है, ऐसे आप घूम नहीं सकते हो, तो वो सब मैंने बता दिया था क्योंकि वो तो मुझे पता था कि अपने स्टेट के बारे में वो पूछेगी, क्योंकि ये तो आपको तैयारी करके जाना ही है, अगर आप जिस स्टेट से भी हो उस स्टेट के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपका मतलब क्विजिन क्या है या फेस्टिवल कौन सा है यार, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। वही नहीं बता पाओगे तो ठीक है नंबर नहीं का ठीक है ना, थोड़ा एक गलत इंप्रेशन चला जाता है। और चेयरमैन जो मेन अपना फाइनल जो मार्क्स लिखेंगे ना वही लिखेंगे, तो उनके साथ अगर आपने अच्छा एक बना लिया स्टार्टिंग में तो वो तो बढ़िया हो जाता है, बाद में टेक्निकल में थोड़ा खड़ा भी कर दो तो वही अपने फाइनल मार्क लिखते हैं ना, तो अच्छे लिख देंगे। तो यही है, मैडम ने यही पूछा क्यों टेक्निकल तो वो नहीं पूछते। फिर वही पूछ रहे थे कि कोई कॉमन क्वेश्चन, आप PSU में जॉब कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस क्यों करना है, तो ये आंसर तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना ही है, तो मैं भी तैयारी करके जाना, तैयार का भी आंसर बोलना है, वही है थोड़ा बहुत बोल देना है, डाइवर्सिफाइड वर्क देखना है, वो सही बात है मेरे साथ भी हो रहा था मोनोटोनस है तो वो बोलना है, और मैनेजरियल है यहाँ पे अभी तो मैनेजर बने नहीं है 12 साल लग जाएगा, तो वो सब आपको सजा धुजा के बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है अल्टीमेटली। फिर टेक्निकल वालों का रोल आ जाता है, और टेक्निकल वालों को आपको ऐसा नहीं पूछता है उसमें कि ये जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये क्या होता है ये क्या होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया मुझे जैसे एक बिल्डिंग है तो मोबाइल का सिग्नल किस फ्लोर में ज्यादा आएगा किस फ्लोर में कम आएगा, बता दिया उसे। फिर बोला ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसको हटाने के लिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तुम क्या करोगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर मेरा जो मैं क्योंकि जॉब वाला था तो जॉब से रिलेटेड ज्यादा पूछा, तो सेकंड पर्सन था उन्होंने मुझे जॉब से पूछ लिया, तुम वहाँ पे क्या करते हो क्या रोल है कौन सा प्रोजेक्ट में हो समझाओ वर्किंग मतलब क्या बना रहा है, मतलब सब कुछ मैंने उनको समझा दिया था। तो जो भी जॉब से रिलेटेड जॉब करके जो लोग जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू देते हैं उनका जॉब प्रोफाइल में ही रहते हैं, और जो भी एमटेक करके जाते हैं उनका एमटेक के इंटरव्यू सॉरी ये जो प्रोजेक्ट होता है उनमें पक्का है, वो प्रोजेक्ट तो अच्छे से तैयारी करके जाना ही है, और बाकी जो वो एमटेक भी नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं बहुत साल से उनका तो ये क्वेश्चन अच्छे से पता प्रिपरेशन करने के जाना है कि इतना सारा ड्रॉप तुमने क्यों लिया, तो ये सब पूछ लेते हैं। और आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मोस्टली वो ड्रॉप वाले ही रहते हैं, तो इतने ड्रॉप्स का क्या आंसर रहना चाहिए, आप डिस्कस किए होंगे अपने दोस्तों के साथ? उसमें आप क्या ही बोल सकते हो, वही बोल सकते हो कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और वही या तो मेरा एम ही गोल ही वो था, ये भी बोल सकते हो क्योंकि माय अल्टीमेट गोल वाज ओनली इंजीनियरिंग सर्विस एंड एज आई एम ओनली एमिंग फॉर दैट इंजीनियरिंग सर्विस एंड सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, ये एक तरीके ना मतलब इस तरीके से ये है कि कन्विंसिंग होना चाहिए, कन्विंस करना है वो दिखना चाहिए कि हाँ इंजीनियरिंग सर्विस आपका ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा इंजीनियरिंग सर्विस एम है ऐसा, तो थोड़ा वो मतलब एक्सप्रेशन भी आना चाहिए।
ब्लफ नहीं करना चाहिए वहां पे, ब्लफ करोगे तो फंस जाओगे, वहां पे यही गेम है, ब्लफ करोगे तो फंस जाओगे, ब्लफ नहीं करना है आपको। और ये मैं बोलूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन मुझे जैसे मैं पूछा गया कि एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कैसे, मैंने बोला था कि ये सिग्नल बूस्टर वगैरह लगाएंगे, बोला ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन बताओ उनको, मैंने बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट मैडम। फिर और कुछ पूछा कि कितना डीबी का लॉस होगा, जो सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना फ्लोर के साथ, मैंने बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ऐसे मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या है मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि बेलवी इसमें काम करता है, लेकिन मैं उस डोमेन में घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर आंसर बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडी हो जाओ, मतलब समझ रहे हो ना, आप एक क्वेश्चन बताओगे तो उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट के लिए ऐड हो जाओ, वो बताओगे फिर एक नेक्स्ट ऐड हो जाओ, तो ये एक रिपल बनता जाएगा। तो अगर उस डोमेन में आपको नहीं घुसना है सीधा बोल दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और बार बार एक ही लाइन मत बोलो कि आई डोंट नो, थोड़ा अलग अलग बोलो, आई एम अनेबल टू रिकॉल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई डोंट नो, थोड़ा साइकोलॉजिकली खेलो, मतलब बार बार आई डोंट नो सुनना अच्छा नहीं लगता ना, तो ये भी होता है। तो मैंने भी बोला सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, तो बोल दिया, तो ऐसा है थोड़ा कट लो अपना। लेकिन लोग सोचते हैं कि ऐसे बोलूंगा तो मार्क्स कटेगा, नहीं, मार्क्स उसका होता है जो आप बोलते हो, मार्क्स उसका नहीं होता जब आप नहीं बोलते, ये बात अपना ध्यान दो, क्योंकि मार्क्स वो नहीं होता जो आप नहीं बोलते, मार्क्स वो होता है जो आप बोलते हो। तो जो आप बोलते हो उसमें अगर आपने ब्लफ किया, इधर उधर कर दिया, या थोड़ा अपना हवाबाजी दिखा दिया, कि कोई लोग लिखते हैं हॉबीज में क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी ये वो, नहीं ऐसा नहीं लिखना है कभी भी डेफ में, एक हॉबी लिखो जिसके आप बोल देते हो, तो वैसा लिखना भी चाहिए, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे आपने अपनी हॉबी क्या लिखी थी और उसमें क्या क्या पूछा गया? मैंने सही किया, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि मैं टीचिंग करता हूँ और मैंने पढ़ाया भी है, कि मैं 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और वैसे भी मैं कॉलेज में भी मैं अपने जो दोस्त होते थे उनको भी पढ़ाया हूँ, तो मुझे पढ़ाने का भी शौक था। और मैंने अपना एक SMEs में मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, जो फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वही है ना कि मेंस खत्म होता है उसके बाद मैंने सोचा था कि चैनल शुरू करूंगा, पर प्रीलिम्स खत्म होगा तो मैं बनाऊंगा, फिर कुछ दिन किया फिर मेंस का तैयारी शुरू, फिर मेंस खत्म हो गया मैंने सोचा था करूंगा, फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू, फिर मेरा ऐसा ऐसा मतलब समय निकल ही जाता है। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, तो मेरा टीचिंग था तो मैंने टीचिंग ही लिखा, तो लेकिन मुझे हॉबी के ऊपर ज्यादा उन लोगों ने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी आपका इधर बैकग्राउंड था ना, मतलब आप जॉब भी कर रहे थे ये सारी चीजों में। वो होता है क्योंकि आपको वो लोगों के पास अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो क्या जाएंगे वो मजे लेने के लिए, वो सब में घुस जाएंगे। हॉबी क्या है, चलो फुटबॉल है, तो फुटबॉल में एक बंदे को पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है, तो उसने कुछ बोल लिया, मतलब कंपेयर बोलता मैराडोना और मेसी में आप किसको चाहोगे और हु इज अ बेटर प्लेयर, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि मेसी इज अ बेटर प्लेयर, नो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी लुक मैराडोना वाज अ ग्रेट प्लेयर एट दैट टाइम, बट ऐसे ही कोहली और तेंदुलकर में हम कैसे कंपेयर करेंगे, उस जमाने का क्रिकेट का अलग ही एक था, अभी का एक क्रिकेट अलग, अभी 2020 आ गया ये आ गया, तो आपको एक मतलब न्यूट्रलाइज आंसर देना है, मतलब आपको एक एक पोलराइज मतलब एक तरफ नहीं देना है, नो नो नो, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ही इज बेस्ट कोहली इज नथिंग, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये चीज आपका अभी जब भी जॉब करोगे आप कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला आप पॉलिसी के बारे में पूछ रहे कि ये क्या है, चलो डिमोनिटाइजेशन किया, तो आपको ऐसा नहीं बोलना ये तो गलत किया यार इतना लाइन लगाना पड़ता है, ये कभी नहीं बोलना है, आपको बोलना है इट वॉज ए गवर्नमेंट ने लिया इट इज ए गुड स्टेप, गवर्नमेंट का बुराई कभी नहीं करना है वहां पे जाके, क्योंकि आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कर रहे हो, आप बाहर जाके कर लो दोस्तों के सामने रोटी सोके, और उनके सामने नहीं करना है गवर्नमेंट के बुराई। और ये आप ऑफिसर भी है ना सर, मतलब ऑफिसर हैं तो आपके पास लोग आएंगे आपको पूछा जाएगा कि क्या है कैसा है करके, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, आपको हमेशा उस चीज में भी न्यूट्रल रहना है, तो ये आपके ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी है, ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अभी आपको न्यूट्रली रहना है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया गया है पार्लियामेंट बनी हुई है ना, वो लोग जो डिसीजन लेगा वो कुछ चलना ही पड़ेगा, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो तो सुनना ही पड़ेगा, बाकी जो भी पॉलिसी लाएगा उसको बेटर वे में इंप्लीमेंट करने के काम हम लोगों का है ब्यूरोक्रेट्स के, तो वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे रेलवे में कुछ नया चीज लाया जाएगा कोई पॉलिसी लाएगा नीचे लेवल में अपन लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि ये पॉलिसी गलत है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ सर, आप मतलब काम के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेते थे, वहां पर क्या शेड्यूल रहता था और आने के बाद आप कितने घंटे प्रिपेयर कर लेते थे? ये तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि ऐसा है ना मतलब मैं सही बोलूँ ना, मैं वहाँ पे जो शॉर्ट आवर्स वहाँ पे अपना पंच होता था, 8 बजे आपका पंचिंग होता था और 4 बजे पंच आउट होता था, 8 आवर्स का जॉब 8 to 4 होता था,
मैं कभी 8 बजे जा ही नहीं पहुंचा। मैं कभी भी मेरा हमेशा कभी 8:30, 8:45, 9, कभी कभार मेरा बॉस भी बोल देता है यार तुम टाइम पे आ जाया करो, और मैं बोलता था सर ठीक है कल से आ जाऊंगा, फिर एक दो दिन आता था फिर मेरा वही शुरू हो जाता था। क्योंकि प्रॉब्लम ये था मैं रात, क्योंकि ऑफिस 4 बजे छुट्टी होता था ना, मैं आ जाता था क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं होता था ना तो मैं आ जाता था। एकदम बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है आपकी जरूरत है, कि मार्च की महीना में काम ज्यादा होता था वहाँ पे, क्योंकि वो फाइनेंशियल एंड हो रहा है ना तो थोड़ा काम ज्यादा खत्म करता है, क्योंकि टाइम बिल उसी टाइम बन जाता है तो क्लियर हो जाएगा वो। तो मार्च के महीने में मेरा दिक्कत तो हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे नॉर्मल टाइम में 4 बजे निकल जाता था, 4 बजे निकलने के बाद मैं 4:30 में रूम पहुंच गया, 6 बजे तक मस्त सोता था, कभी कभी 7 बजे तक सो जाता था मस्त। और कुक लगवा लिया था मैंने, खुद खाना नहीं बनाता था तो मैं कुक लगवा लेता था। तो 7 बजे में सो के उठता था, मेरा दोस्त मेरे फ्लैट में जो है तुषार नाम से, हम दोनों चाय पीने जाते थे, एक बगल में ही दुकान थे, चाय पी के आते थे दोनों बैठ जाते थे, बस सो के उठा फ्रेश हो गया। फिर 7:30 या 8 बजे से हम लोग शुरू करते थे, 2, 3, 3:30 वो थोड़ा ज्यादा पड़ता था, वो 4 बजे तक भी पढ़ लेता था। मैंने बोला भाई सो जा, मैं 2 बजे सो जाता था, फिर सुबह 7:30 या 8 बजे उठता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था, ब्रश वश करके फ्रेश होके ऑफिस निकल जाता था, फिर वही पे ब्रेकफास्ट कर लेता था बाहर जाके, मतलब पंच आउट करके बाहर वही दुकान था, ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस में ऑफिस का काम कर लेता था, और फिर अगेन 4 बजे निकल जाओ अपना मस्त आओ सो जाओ। मतलब वो 7 घंटा भी आप सोने का कंप्लीट कर लेते थे रात को, जल्दी है क्योंकि मतलब आके मेरे से कोई लोग होता था कि 4 बजे आके वहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल से आके भी फिर कंटिन्यू कर लेता था, लेकिन मेरे से नहीं होता था क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा ये है ना, अभी मेरा यही है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ कहीं भी तो मेरे को एक सोना की मतलब एक नैप जरूरी होती है कि मैं फ्रेश हो जाऊँ, मेरा ब्रेन फ्रेश हो जाए। तो मैं इसीलिए 1.5 घंटा तो मैं मिनिमम सो ही जाता था, तो सो के उठ के मैं फ्रेश होकर फिर मस्त पढ़ता था और वो कंटिन्यू रहता था, ठीक है आधा घंटा घर वाल कॉल करने के लिए चला जाता था और 1 घंटा आधा घंटा खाना के लिए, बाकी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था, कुक आता था खाना बनाता था धोके बर्तन धुल के चला जाता था, अपन को मस्त खा के पढ़ाओ फिर दोबारा कंटिन्यू करो। सर आप इतने आसानी से चीजों को समझा दे रहे, मैं ये जानना चाहता आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आए हैं उनको आप कैसे कोप अप किए, ऐसा नहीं लगा कि यार कितना पढ़ेंगे या कुछ भी, मतलब डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। हाँ लेकिन ये तो आता था, लेकिन एक मोटिवेशन था, मेरा मोटिवेशन ये था ना, मैं ऐसा हो गया था कि नहीं यहाँ से तो निकलना है, अच्छे जगह में जाना है, थोड़ा मुझे मतलब काम से भी मुझे थोड़ा धीरे धीरे वो लगने लगा कि नहीं इससे अलग ही जाना है। तो कभी भी मेरा डिस्ट्रेक्शन होता था तो मैं ये सोचता था नहीं यार फिर से ऑफिस जाना है, नहीं ये ऑफिस नहीं जाना है मुझे, रेलवे का ऑफिस जाना है। मैंने वो एक डिग्री से मोटिवेटिंग रहा, मैं भी उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप ये करते करते फिर धीरे से बोलेंगे नहीं अब मुझे यूपीएससी का मुझे वहां जाना। हाँ वैसे होता है, वही होता है, ये मतलब सबका वही चाहत होता है, एक मतलब क्या बोला डिजायर में बोलूंगा एक वो होता है कि आप ग्रो करते रहो, आप ग्रो करते रहो। एग्जैक्टली यू गो टॉप द लीडर, ये सबके साथ होता है। तो किसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, मुझे नहीं मिला था तो मैंने ट्राई किया, सेटिस्फेक्शन मिल जाता तो ईच ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है ना सब कैरी करता है। और डिस्ट्रैक्शंस को सर कैसे किया, मतलब आपने आप भी तो लो फील करते हो गया कुछ भी? डिस्ट्रैक्शन आता है तो कभी कभी मूवी भी देखने चला जाता, ठीक है नहीं पढ़ेंगे ठीक है, और बैंगलोर ही था मूवी भी देखने चले जाता था मस्त अपना। और कभी कभी क्या होता है मोटिवेटिंग वीडियो वगैरह देखते है, वीडियो वगैरह में क्या देखते थे वही है जो टॉपर्स है उनका वीडियो देख लेता था, तो वो भी एक मोटिवेटिंग आ जाता था, तो ठीक है यार मुझे भी अगले साल ऐसे कुछ वीडियो वीडियो बनाना है। तो कुछ ऐसा रहता है ना कि ठीक है मैं भी उस पोजीशन में होऊंगा तो क्या होगा, तो वो मोटिवेटिंग वीडियोस वगैरह मैं देख लेता था। तब तो फिर हमारा भी पहले आप देखे होंगे, मैं उनका इंटरव्यू लिया था साईदीप का, ईसी के सेकंड रैंक थे ना वो। नहीं मैंने एक्चुअली ना आन अकेडमी उस समय में ज्यादा इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे ज्यादा नहीं किया, अभी मैंने ये थोड़ा सिविल का जब सोच रहा था तब मैंने ये मैं उससे पहले आपके पहली बैच के थे वो, आपसे पिछले बैच के सेकंड रैंक आया था, साईदीप चेरुकुरी करके हैं, तो वो ईसी के थे तो उनका इंटरव्यू लिया था, तो फिर उसके बैच के बाद के आप रहे होंगे है ना। तो मतलब वो रहता है ना कि ये जो हम लोग सर कर रहे हैं ना, क्या पता किसी एक बच्चे को भी फायदा कर गया ना, कि वो सुन लिया और वो इंस्पायर हो गया कि कैसे आप इतना दूर तक पहुंचे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो अपना ये शो भी सक्सेसफुल हो जाएगा और हम लोगों का इतना रात को जगना भी सक्सेसफुल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही है कि ये मतलब आप लोगों का जो भी मीडिया, पहले तो ऐसा नहीं था ना, अब जैसे ऑनलाइन ये सिस्टम आ गया, आप कहीं भी गाँव तक पहुंच रहे हो। मैं वहां पे जाके अभी जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे था, थोड़ा बहुत मैं सिविल का सोचा था तो मैंने देख लिया था,
तो वहां पे अनअकैडमी का आप लोग देख रहे हो, कहीं पे गांव पे जाके देख रहे हो, मतलब हर जगह कनेक्टेड है, तो एक अच्छा फैसिलिटीज है वो। और मतलब वही है ना, मैं भी बहुत लोगों को रिकमेंड तो करता हूँ कि ये देख लो, और ये भी है ट्यूटर भी अलग अलग मिल जाता है आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्यूटर मिलता है कि अलग अलग ट्यूटर, क्योंकि मेरा भी जब मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत तैयारी करूंगा, जैसे ज्योग्राफी लोगों लेके मेरा हुआ था कि ट्यूटर कौन सा लो, तो मैं अलग अलग ट्यूटर देखा, फिर फाइनली मुझे देखा कि सुदर्शन सर का अच्छा लगा मुझे, और वैसे नहीं सर, इकोनॉमी का बोला वही सर। वही चीज ना, आप चीजों को अच्छे से समझ ले रहे हो, क्योंकि कई लोग ना, अब स्टूडेंट्स क्या है ना, दे आर लाइक कि नहीं, ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है और बैठ के ही होती है, पर आप उनके सामने बड़े एग्जाम्पल है, मतलब आप ऑनलाइन के ही इतने सारे कंटेंट्स देखे और वो भी ऑनलाइन विदाउट ऑनलाइन कोचिंग के। ऑनलाइन कंटेंट, हाँ ऑनलाइन चीजें। कंटेंट यूट्यूब का यूज करता था मैं बहुत ज्यादा। आजकल और ऑनलाइन में सब कुछ मिलता है, मेरे ख्याल से वो तो जरूरी नहीं है, और अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट आप कोचिंग में जाओगे ना, आके तो खुद को पढ़ना ही है, तो मेरे ख्याल से तो वही है, सेल्फ स्टडी की आपको ज्यादा जरूरत है, सेल्फ स्टडी कर लो। और आजकल ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऑफलाइन एक मस्त हो गया है कि नहीं है। और आप लोग इतना, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोकल है, दूर दूर से लोग आते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, इतना पैसा खर्च करके रहते हैं वो भी, और बाद में अगर सक्सेसफुल होता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होते हुए तो इतना पैसे के खर्च हो जाते हैं, और सब तो इकोनॉमी के लिए इतना स्टेबल नहीं होता, जैसे मेरा ही केस लीजिए, इतना नहीं था, तो ऐसा तो आप ऑनलाइन का ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा सही है ना, क्योंकि जियो का तो डेटा रेट बहुत सस्ता है ना, वो तो आप यूज ही कर सकते हैं। नहीं सर, वही चीज़ ना, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर मेरे पर फाइनेंशियली वीक है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपके सामने अंकुर हैं, शुरू से ही बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फेस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही और स्ट्रगल करते करते इस चीज का प्रेशर भी रहता है ना सर, कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है आपके कंधों पे, कि आपको फैमिली को देखना है, मम्मी को बिल्कुल संभालना है ना, और उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करते गए। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा। एग्जैक्टली वही है ना, जब मैं वन ईयर का था, उसी टाइम ही मैंने अपने फादर को लॉस किया था, और उसके बाद मेरा मम्मी ही हम दोनों को बड़ा किया था, भैया और मुझे, तो वो भी एक स्ट्रगल का पॉइंट था, क्योंकि उस समय मम्मी पेंशनर थी और फादर मेरा टीचर था, तो गवर्नमेंट स्कूल का तो इतना पैसा भी नहीं मिलते थे उनको, मुझे अभी भी याद है कुछ 5,000 के आसपास पेंशन मिलता था, तो 5,000 रुपये से घर कैसे चलता है, तो वही है, तो बड़ा भैया तो इतना नहीं पढ़ पाया, वो आर्ट्स में नाम लगा लिया, और थोड़ा सा वो मेंटली अनफिट हो गए, जो सिजोफ्रेनिया है वो इलनेस उसने ले लिया था, फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया था, मुझे तो करना ही था अच्छा, तो मैं भी क्या था, मतलब इतना भी ऐसा नहीं था कि एक्सेप्शनल था कि बचपन से बहुत तेज था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन ठीक है मैं करता गया अपना, और 10th में मेरा ऑल असम मेरा 9th पोजीशन आ गया, तो थोड़ा मैं हाईलाइटेड हो गया उस टाइम, और लोगों के बीच में तो थोड़ा लोग भी हेल्प करने आ गए कि सब लोग पैसा कलेक्ट करके मुझे दे रहे हैं, कोई मुझे यूनिफॉर्म दे रहा है कॉलेज का, कोई मुझे, और उस समय मुझे अभी भी याद है, मेरे मम्मी को मैं अभी शो के द्वारा मैं बोलूंगा कि आज अगर मेरे मम्मी नहीं होते ना, तो मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाता, क्योंकि आज मेरे मम्मी ने जो भी किया है ना, मतलब मैं कैसे मैं उसको मतलब रिपे करवाई दोनों, मतलब बहुत कुछ किया है, मतलब मुझे इतना तक याद है, मतलब जहाँ पे मैं ट्यूशन के लिए मम्मी के पास पैसा नहीं होते थे, तो टीचर के पास जाते थे और बोलते थे कि मतलब ये है ऐसा ऐसा सीधा, टीचर भी अच्छे थे, ठीक है हम पैसा नहीं लेंगे आप उनको भेज दीजिएगा, तो टीचर बोलते थे उसको भेज दीजिएगा और वो समझ जाता है जल्दी, तो उसको भेज दीजिएगा हम थोड़ा बहुत दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा, तो वैसे मुझे फ्री ट्यूशन था, और फिर मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट आ गया, 9th पोजीशन आ गया, तो थोड़ा न्यूज व्यूज में हाईलाइट हुआ, और मेरा सिचुएशन के बारे में लोगों को और ज्यादा पता चला, तो वहाँ का जो ये सब होता था NSU, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस के अंदर ही आते, तो ये लोगों भी मुझे किताब विताब गिफ्ट किया, और बहुत सारे वैसे, और इसमें मैं और एक नाम लेना चाहूंगा, जो IPS ऑफिसर थे AP तिवारी सर, तो वो वहाँ का, मैं सुनीपुर डिस्ट्रिक्ट का मेरा SP था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं उसको पूरा हेल्प करूंगा, तो उस समय जब मेरे पास एक इन्वर्टर नहीं था, तो उस समय मैं जब याद था, मैं जब पढ़ता था ना 10th में भी, तो मच्छर काटता था, लाइट चला जाता था, उस समय फिर लोड शेडिंग भी ज्यादा होता था, खैर अभी तो इतना नहीं होता था, उस समय ज्यादा होता था, तो मम्मी वो लालटेन वेलटेन केरोसिन लेके आती थी, तो वो उसमें मैं पढ़ता था, वो दिया जला के, दिया नहीं मतलब क्या बोला, कैंडल या लैम्प जो होता था, लालटेन होता था उसमें पढ़ता था, फिर उसके बाद जब मेरा 10 अच्छा चला गया रिजल्ट, तो SP ने मुझे वो गिफ्ट किया था कि इन्वर्टर तो ले लो, फिर इन्वर्टर आ गया, फिर भी मैं अपना, फिर वो खुद बोले थे कि तुम कोटा चला जाओ, सब पैसा मैं दे दूंगा तुम, फिर भी मैंने सोचा कि मम्मी बोले नहीं यार तुम यही रह के पढ़ो, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मैं भी सोचा नहीं मैं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, 2 साल तो यही पढ़ लेता हूँ, तो मैंने वही पढ़ लिया, और फिर मैंने वहां पे मैंने बोला ना आपको कि एक कोचिंग वो स्टार्टअप जैसा ही था, उन लोगों ने सर लोगों ने स्टार्ट किया,
पल्लव सर था, पंकज, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने वो गाइडेंस मिला, वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला, हेल्प मिला, तो उसके कारण ठीक है आईआईटी तो नहीं हुआ लेकिन एनआईटी मुझे मिल गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र मुझे मिल गया, और फिर मैं स्ट्रगल करते करते वहां तक मैं पहुंच गया। और फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली एसपी ने मुझे बहुत हेल्प किया, फिर थोड़ा कॉन्टैक्ट लूज होने लगा क्योंकि वो सुनी मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट चले गए और वो लोग थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो कॉल करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर मैंने क्या किया, एक एजुकेशन लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया मैंने, एजुकेशन लोन मैंने, एजुकेशन लोन से मैंने पूरा अपना बीटेक, और मेरे को इंडियन ऑयल का स्कॉलरशिप मिलता था क्योंकि कुछ परसेंटेज 80% से आपका जब ऊपर होता है ना 12 में, तो वो एक इंडियन ऑयल का कुछ स्कॉलरशिप आता है कि महीने को आपको 3000 रुपए आता है, तो वो 3000 रुपए मेरा क्या होता था, अपना हाथ का खर्चा यूज हो जाता था 3000 रुपीज, बाकी तो लोन से मैच ड्यूज वगैरह क्लियर हो जाता था, बाकी 3000 रुपीज मेरा, क्योंकि मम्मी नहीं दे पाएगी कि महीने को 5000 रुपए मिलते, 3000 तुमको दे देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो मैंने वैसे वैसे अपना करते करते आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, सर आप जितना खुशी से इस चीज को बता दे रहे ना, मतलब दिल मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। यहाँ पर लोग भी उस चीज को शायद महसूस कर पाएंगे क्योंकि आप जितने आसानी से बोल देते हैं उसके पीछे इतना सारा स्ट्रगल है, इतना सारा दुख है, और वो चीज अब खुशी में कन्वर्ट होके ना मेरे को इतना क्योंकि ये चीज बहुत प्रेशियस है वो मोमेंट्स, क्योंकि स्ट्रगल ना हो तो आज ये कन्वर्सेशन करने में ना वो मजा ना आए, है ना। एक्चुअली एक कहावत भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो मुझे उस समय में जरूरत था चीजों को क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं देखा, तो वैसे तो मैंने पहले भी सोचा था कि यार बीटेक तो करना ही है, फिर कुछ जॉब वॉब तो लेना ही है, तो एक मतलब था, चाहत था कि कुछ तो करना है, फैमिली वाले के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, ऐसा नहीं है कि खुद जॉब लेके चला जाओ बाहर फैमिली को छोड़ के, ऐसा नहीं था। इसीलिए मेरा थोड़ा गवर्नमेंट के ओरिएंटेड में थोड़ा चला गया क्योंकि मैं जितना भी लोगों से पूछा तो बोला कि वो सही रहेगा, तुम जैसे भी तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो इसीलिए मैंने उस तरफ ही मैं चला गया, स्टार्टिंग से ही मैं चला सर गया। मैं ना आपको वो मोमेंट पूछना चाहता हूँ, मतलब आपका जॉब लगा तो आप मम्मी को फोन किया, वो मोमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए तो, बीएल वाले टाइम का भी और वो ईएससी वाला टाइम का भी। हाँ नहीं, बेल का जो जॉब लगा था वो तो मैं घर पे ही था, हाँ, उस टाइम ही रिजल्ट आया था, मेरे दोस्त ने बोला था अरे रिजल्ट आ गया, तो वो उनका वेबसाइट में कुछ लॉग इन आईडी मिलता था, लॉग इन करके देखना पड़ता था, तो वो मेरे को मिलता था कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए कुछ आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो मैं खुश हो गया। तो मम्मी मेरे सामने थी और मम्मी को मैंने मम्मी बोला तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बोला नहीं सही में, और फिर मम्मी को बोला कि हाँ सही में हो गया, फिर मम्मी को मैंने हग वग किया, अच्छा लगा क्योंकि उस समय को भी पैसे की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन ले चुका था और मैंने जो वो कैंपस प्लेस था मैं कंपनी ज्वाइन नहीं किया था और मुझे एक साल बाद उसको रिपे करना था। मान लीजिए मैं गेट का तैयारी कर रहा था और मेरा बेल में भी नहीं होता, गेट में भी नहीं होता, तो मैं क्या करता, मैं लोन कहाँ से चुका था, तो मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के मेरा बहुत हो जाता, तो मतलब सब कुछ मतलब क्या करूँगा, मैं एक पीस में मेरा फिट हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे था लेकिन अल्टीमेटली पीस हो गया, मतलब ठीक दिया, तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब अच्छा था। हाँ एक जॉब मिला, कुछ तो हुआ है, मतलब घर पर भी थोड़ा बहुत काम है, रिपेयरिंग वगैरह करना है बहुत कुछ, ऐसे मतलब जब मेरा घर बन रहा था तभी मेरा फादर का डेथ हो गया था तो वो अच्छे से कंप्लीट भी नहीं कर पाए और मम्मी के इतना हिम्मत ही नहीं हो कि घर कंप्लीट कर पाए, तो अभी मैंने उसको रिपेयरमेंट जब मैंने बेल ज्वाइन किया उसके बाद मैंने पैसा भेजा मम्मी को बनाओ घर अच्छा करो, और वो थोड़ा अच्छा लगा। ईएससी का जब रिजल्ट आया वो भी एक बहुत बढ़िया मोमेंट था, ईएससी का जब रिजल्ट आया वो दिवाली का टाइम था मुझे एग्जैक्टली याद है, और जो मेरा फ्लैटमेट था जो तुषार था वो लखनऊ का है, वो घर गया हुआ था और मैं फ्लैट में अकेला था, तो उस समय हमारा और एक दोस्त था जय, तो हम तीनों ही ऐसे एक साथ तैयारी करते थे, लेकिन वो 2018 में उसने निकाल लिया था, AR-92 था मैकेनिकल का, वो स्किल इंडिया में अभी वो बैठा हुआ है, तो उसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉमन तीनों दोस्तों का, तो उसने मैसेज छोड़ दिया इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है, AIR-15, AIR-23। हम लोगों ने बोला क्यों मजाक करता रहता है, फिर उसने वो PDF भेज दिया जो आता है ना नाम के साथ, फिर आ गया, फिर मैं ऐसा स्क्रोल करते गया, फिर मैं इसी वाला लास्ट में रहता है हमेशा, तो मैं देखा ये पहला नाम दूसरा नाम तीसरा नाम, फिर मैंने 15 में उसका देखा तुषार रस्तोगी, मैंने बोला यार इसका हो गया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो भी बहुत मेहनत किया था, फिर मैं थोड़ा बहुत गया 23 में मेरा नाम था,
और मैंने मोबाइल गिरा दिया और मेरा मतलब आंसू आने वाला था, मतलब क्या मोमेंट था, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब मैं खुश हो गया था यार क्या करूँ। फिर मैंने लगाया मम्मी को कॉल रोते हुए, मम्मी मेरा हो गया फाइनली इंजीनियरिंग सर्विस मेरा हो गया और अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ना। फिर मन नहीं कर रहा, मैंने उस समय मैंने थोड़ा बोला था तुझा कि रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने से आया उससे कुछ दिन बाद प्रीलिम्स ही था और मैंने तैयारी शुरू नहीं किया प्रीलिम्स का, तो किताब विताब भी मैंने रखा हुआ था, कहा है थोड़ा तो अरेंज तो कर लो पहले, जीएस की किताब पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि मेंस में तो जीएस होता नहीं, सारा टेक्निकली पढ़ रहा था, जीएस का किताब कहाँ छुप गया। तो उसने उस दिन ही बोला था कि तू भाई जीएस की किताब विताब थोड़ा निकाल ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले, टाइम नहीं बचेगा। मैंने बोला नहीं यार मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक मन नहीं करता। फिर मैंने सोचा यार फाइनली हो गया, दोबारा तैयारी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हेडेक वही साइकिल, दैट इज ए विशियस साइकिल, यू विल फॉल। तो उस साइकिल से मैं बाहर आया भगवान के कृपा, पहली अटेम्प्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मम्मी को कॉल किया और दोस्तों को भी कॉल किया, उस दिन तो कॉल ही कॉल आता रहा और एक अच्छा मोमेंट था, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा नहीं लगा। सर, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आप मेरे को इस चीज़ के बारे में बोलेगा, जिस दिन आप ना सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहोगे ना, उस दिन आपको ना सबसे ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। क्या बोलते हैं इसके बारे में, उस दिन आपको ना मतलब हर चीज़ ना रास्ते में से हटते जाएंगी कि हाँ ये इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका सबसे पहले क्लियर करेंगे। नहीं वही है, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्ट्रगल देखा है ना, मैंने सब कुछ फील किया हुआ है, तो कहीं पे मुझे, कहीं पे मैं सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ ना, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा लेवल का मुझे मिल चुका है सब कुछ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, तो मैं उसको डील कर लेता हूँ। तो वही है, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि इतना वो टेंशन मत लो लाइफ में, लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं सेटल हो ही जाओगे, वो मेरा गारंटी है। बस अपना डेडिकेशन से रहो, कहीं आप डिस्ट्रेक्शन मत हो, डिस्ट्रेक्शन हो रहे हो तो थोड़ा मोटिवेशन लाते रहो, कुछ भी ऐसे वीडियोस होता है जैसे कोई टॉपर के साथ वीडियो बनाता है उनको देखो, कोई ऐसे ही नॉर्मल मोटिवेटिंग वीडियो उनको देखो, लेकिन मोटिवेशन लाओ। और जो मैंने बात बता कि रेलवे में ये सब होता है, ये सब भी थोड़ा ध्यान दो सामने कि हाँ ये मिलेगा मुझे, ये लाइफ मिलेगी मुझे, ये लाइफ मुझे चाहिए, मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट तो मम्मी पापा को मैं वो लाइफ दूंगा, ये सुविधा दूंगा, ट्रेन में जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, वहां पे मैं कॉल करूंगा ना कि ये मेरी मम्मी और पापा आ रहे हैं, आप लोग करवा दीजिए, कार भेज दीजिए, वो कार भेज देंगे, लेके आएंगे। तो ये सोचो मम्मी पापा उस समय कैसे होंगे, तो ये सब सोच के आपको तैयारी करना है, एक फीलिंग लाना है, और ये अगर आपके पास फीलिंग रहेगा ना, आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सोचो कि उनका कैसा फीलिंग होगा, आपको कैसा फीलिंग होगा, एक फोन कॉल में आपका सब कुछ हो जाएगा, ये सोचो। बहुत सही सर, बहुत सही, मतलब इतना अच्छा लग जा रहा है ना। फाइनली सर हम लोग इस चीज़ को एंड अप करेंगे, गेट एग्जामिनेशन आने वाला है सर, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपके कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो एकदम छुपा के रखे हुए हैं कि वो अंकुर स्पेशल हैं वो चाहिए, और ईएससी के लिए भी है ना कुछ जो आपके फेवरेट वो है आप बता दीजिए। अभी जैसे गेट आने वाला है और ऊपर से ईएससी का आईटी इंटरव्यू आने वाला है, क्योंकि मेंस का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया था, तो एक्चुअली गेट के लिए ना अभी जो पढ़ लिया प्रीवियस ईयर अपने कर लिया, पहली बार दोबारा एक बार कर लीजिएगा, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा है उसको तो करके जाइएगा। टेस्ट सीरीज एक लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि गेट ऑनलाइन होता है, यहाँ ऑफलाइन मत लीजिएगा, ऑनलाइन होता है ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने आपको मतलब वहां पे बैठ के वो सिचुएशन में, अगर अगर आपको टाइम परमिट करता है, सपोज अपन 9 बजे से एग्जाम है 9 बजे बैठ जाइए, 2:30 बजे से एग्जाम है 2:30 बजे से बैठ जाइए, 2 बजे से एग्जाम है तो उस टाइम बैठ जाइए और एग्जाम, क्योंकि इवनिंग वाला टाइम होता है ना, अगर आप इवनिंग सोते हो और एग्जाम है आपका इवनिंग को, आप उस टाइम आपको नींद आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था ना मेंस का, क्योंकि अपन का 2 पेपर होता था सुबह और शाम, तो मैंने दोपहर सो, मैं दोपहर को सोता हूँ खाके, जब भी मतलब संडे होता है तो मैं खाके सो जाता हूँ, तो मैं संडे को मैंने डेडिकेटली कुछ 2-3 मतलब 2 संडे या 3 संडे पहले से तो मैं नहीं सोया, मैं उस समय पेपर लिखता था 2 बजे से, नहीं भी लिखता था तो बैठा रहता था, क्योंकि वो एक मोमेंटम बनी रहे आपको उस समय, नहीं तो थकावट होगी, नींद होगी, दिमाग नहीं चलेगी उस समय। तो सेम गेट के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यही टाइम है, और प्रीवियस ईयर आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होगा, वैल्यू बदलेगा या ये बदलेगा, कॉन्सेप्ट कहीं नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आउट ऑफ द मूड, कॉन्सेप्ट तो वही है, इतना 20 साल हो गया, ये हो गया, आपने वो ने देखा है कि किस कॉन्सेप्ट में वो लोग पूछ रहे हैं। तो अभी यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि मेरा दोस्त ने तो ये भी ले लिया, इस सेंटर का भी लिया, इस सेंटर का भी लिया, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और एक चीज बोलूंगा, अभी ये प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी हुआ है, एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ ऐसा लगता है चला वो भूल गया, वो पढ़ता हूँ ऐसा लगता है ये भूल गया, नहीं भूले हो आप, एग्जाम में आप कर लोगे ये गारंटी है, ऐसा लगता है, लेकिन
ठीक है, तो मैं अभी यही बोलूंगा, एक एक छोटा सा कॉपी बनाना, छोटा सा कॉपी, जब भी आप टेस्ट सीरीज करते हो ना, एक साथ में कॉपी बनाना। कॉपी में क्या करना, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसको आप लिख लो, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिख लो, या नहीं क्योंकि लिख लो, अगर नहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट में पीडीएफ कर लो, लेकिन वही आपको टाइम लग जाएगा, इतना क्यों ही करना है, तो इससे अच्छा लिख लो उसको, क्वेश्चन को सोल्व करो, और उस कॉपी को आप एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना कि ये कौन से क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं फंसा था, तो ये एक आपका एक सही होगा, ठीक है, ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज डेडिकेटली देना है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो मेरा फॉर्मूला था, एक बार सारा फॉर्मूला लिख के देखिए, सारा फॉर्मूला जो है ना लिख के देखिए, ठीक है, ना देख के लिख के देखिए, अच्छा ये सब्जेक्ट था, इसके ये टॉपिक था, एक बार देख लिया, टॉपिक कॉपी नोट से देख लिया, एक बार लिखिए, खुद लिखिए, बन रहा है कि नहीं, नेक्स्ट बन रहा है कि नहीं, हाथ के टिप में होना चाहिए, वहां सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, हाथ के टिप में होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। ईएससी का इंटरव्यू अभी आ रहा है, इंटरव्यू के लिए मैंने वही बोला है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से रिलेटेड अच्छे से पढ़ो, अपने स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो आपके स्टेट से रिलेटेड कुछ अच्छे कोई फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जो है वो नाम का मीनिंग क्या है, आपका कुछ अजीब सा नाम है, कोई नरेंद्र करके कोई होगा, या आपका सरनेम मोदी है, तो उसमें आपका जा सकता है इंटरव्यू, तो ये सब आपका ध्यान दीजिए, आपका अगर कुछ ऐसा तरीके का नाम है जो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी है तो देख लीजिएगा नाम के ऊपर, और बाकी हॉबी वॉबी देते समय भी ध्यान दीजिएगा, हवाबाजी में कुछ मत लिखिएगा कि मैं तो ये इतना खेलता हूँ, मेरा अच्छा शो करेगा, नहीं करेगा, आप फंस जाओगे वहां पे, क्योंकि वो पूछ लेगा आपको बहुत गंदा वाला। फिर बाकी जो होता है आप लोगों का टेक्निकल जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उतना काफी है, मैं यही बोल रहा हूँ, जो नहीं बता पाओगे उसमें नंबर नहीं है, जो बता पाओगे करेक्टली बता पाओगे विद कॉन्फिडेंस उसमें मार्क्स है, हिचकिचाना नहीं है, नहीं पता है सर आई डोंट नो, बस ध्यान रखना आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो मत बोलना, अपना स्ट्रेटेजी यूज करना, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम अनएबल टू रिकॉल, तो ऐसे स्ट्रेटेजी करना, और इतना क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, उनको भी पता है अगर 3 बार ऐसे बोल चुके तो आसान क्वेश्चन में आ ही जाएंगे, तो इतना टेंशन मत लो, इंटरव्यू चिल है, और ये मैं बोल देता हूँ कुछ ना बोलने का भी 100 नंबर तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन गलती करके आओगे या ज्यादा ईगो पे लोगे या उनका नहीं मानोगे, जैसे कोई प्रोफेसर बन रहा है ये चीज ऐसा है, तो आप लड़ लो उसमें कि नहीं सर आई हैव रेड दिस समवेयर, दिस इज लाइक दैट, आपका 100 से नंबर नीचे आएगा, 80-70 में आ जाएगा, गलत चला जाएगा। देखो मिनिमम 80 से जाता है और मैक्सिमम 140 जाता है, 100 से 120 इन जनरल सबको दे देते हैं, थोड़ा बहुत भी बोल के आओगे इतना मिल जाता है, लड़ना नहीं है वहां पे, लड़ लोगे 100 के नीचे नंबर, अपना जाओ कंफर्टेबल में जाओ, इतना मत सोचो, बेसिक क्वेश्चन बता देना, नहीं पता है खत्म बात, बोलने का नंबर होता है, ये ध्यान रखना बोलने का नंबर होता है, नहीं बोलने का नंबर नहीं होता है, कूल रहो बस, चिल रहो, और कुछ नहीं सोचना है। ये बहुत हेल्प करेगा सर सब लोगों को बहुत ज़्यादा। हम लोग फाइनली एंड अप करेंगे, पर मैं आपके मुंह से उन लोगों का नाम सुनना चाहता हूँ जो लोग आपको इतना ज़्यादा मदद किए, इतना ज़्यादा हेल्प किए, मतलब सपोर्ट जिसका आप एक्चुअल में थैंकफुल हैं इस पूरे जर्नी में, जो जो आपको ध्यान में आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोग है वैसे तो, सबका नाम लेना तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, वैसे जब मैं स्टार्टिंग करूंगा स्कूल से भी है, स्कूल के सारे टीचर ने भी मुझे बहुत मदद किया, मैंने जैसे बोला था आपको फ्री ट्यूशन मुझे दिया था, फिर 11-12 में भी आपको बोलूंगा जो एक स्टार्टअप खुला था डायमेंशन क्लासेस नाम से, तो अभी वो डायमेंशन क्लासेस अभी भी है, वो वहाँ पे मैं जाके पढ़ाता हूँ 11-12 का है, तो उनको मैं अभी भी मतलब दिल से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं जब भी घर जाता हूँ मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे पंकज सर है, पल्लव सर है, तो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, और एक हेमंत सर था बहुत हेल्प किया, फिर बीटेक के टाइम पे मेरे दोस्त लोग थे, सारे दोस्त ने मुझे मदद किया, फिर फाइनली अल्टीमेटली जब मैं बेल का जर्नी कर रहा था तो तुषार का नाम तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के नोट से ही मैंने पढ़ा है तो वो तो बोलता है कि मेरे नोट से पढ़ के तो 23 लेके आ गया, अच्छा वो मेरे से ज्यादा लेके नहीं आया, 13-15 होता मेरा 23 होता, ठीक है, बट वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, कई भी कुछ टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिकल था तो इलेक्ट्रिकल का मेरा क्लियरिटी इतना नहीं था, और एनपीटीएल भी मेरा देखने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा वीडियोस था, और इसी में तो इलेक्ट्रिकल हम लोग बीटेक में नहीं पढ़ते थे, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, क्योंकि वो कोचिंग क्या हुआ बंदा था, तो मुझे वो थोड़ा बहुत बता दिया, क्योंकि मैं दोबारा फिर पढ़ने जाऊंगा टाइम लग जाएगा ना, तो मैंने और इतना क्वेश्चन भी नहीं आते, तो क्यों उस चीज में मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूं, क्योंकि और एक बार मैं इंपॉर्टेंट बात अभी बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखो इसमें 100% में से 100% नहीं करना है, 70% करना है, एक्यूरेट करना है 70%, ये है 90% लेके 70 नहीं लाना है, 70% पढ़ के 70 लाना है, तो ऐसा भी है, मैंने बहुत टॉपिक स्किप भी मारा था,
क्योंकि वो टॉपिक आता भी नहीं है, वही स्ट्रेटेजी अपना फॉलो करो, ऐसा नहीं है कि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। तो तुषार ने मुझे बहुत हेल्प किया, ये सब मुझे आइडिया उससे भी मिलता था, और एक जयसिंह शर्मा करके था, वो अभी स्किल इंडिया में है, तो उसने भी बहुत कुछ इनपुट दिया दोनों ने, और हम तीनों एक साथ रहते थे और तीनों ही बेल में जॉब करते थे, और तीनों ने निकाल लिया था ईएस, और वो 18 में निकाला था, हम दोनों ने 19 में निकाला था। तो बहुत हेल्प किया, और अभी भी बहुत लोग हैं, नाम ऐसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत लोग है वैसे, सॉरी अगर मुझे इनका नाम ज्यादा सबका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोगों का नाम तो मुझे याद आ रहा है और बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच जिनका भी इन्होंने नाम लिया, क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग इतने बड़े लेजेंड को मिस कर देते हैं। मम्मी से प्राइम प्रायोरिटी है ना, वो ही हैं जिनके वजह से आप इस दुनिया में आए, और इतने सपोर्ट के बाद आप एक इंडिविजुअल बने, नाउ यू आर ऑफिसर अंकुर ज्योति। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, पुरानी चीजें पुरानी यादें आई होंगी, और एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आया होगा कि कोई जो इस वीडियो को देख रहा होगा आपके कुछ वर्ड्स के वजह से उनको फायदा होगा। थैंक यू सो मच, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from any time and from anywhere.